कल हमारे तेलंगाना राष्ट्र सरकार ने 87 नाइट कर्फ्यू के लिए इशू किया है। इस जियो के तहत 20 अप्रैल रात में 9 बजे से 1 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाइट में रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक 8 बजे जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, खासकर रेस्टोरेंट, होटल, बाकी शॉप्स है, बार, ये सब बंद करना है। इसमें जो खास सहूलियत इसको दी गई है उसमें हमारे हॉस्पिटल्स है, हमारे फार्मेसी के दुकान है, इसके अलावा पेट्रोल बंक है, गैस स्टेशन है। जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, उन लोगों को जाने के लिए आने के लिए सहूलियत दी गई है। जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो सीनियर सिटीजन्स है जिनको हॉस्पिटल जाना है ट्रीटमेंट के लिए, उनको आने जाने के लिए या उनको जो लेके ऑटो हो, कैब हो, जो उनको लेके जाती है, उनको भी सहूलियत दी गई है। उसके अलावा जो आईटी संस्था में जो 24/7 जिसका प्रोडक्शन चलता है, इसे यूनिट्स में जो लोग काम करते हैं, हमारे बल्दिया के कर्मी हो, हमारे सीवरेज डिपार्टमेंट के लोग हो, जो खासकर रात में जिनको काम करना पड़ता है, उनको भी ये जियो के तहत सहूलियत दी गई है। जो लोग ये कर्फ्यू जो हमारे वायलेट कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ मात्र कड़ी से हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51-60 और इंडियन पेनल कोड के धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ भी ई चलान से हम लोग 1,000 रुपये का जुर्माना का केस अभी हम लगा रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से हमारे राजकोंडा कमिश्नरेट में डेली 1500 से 2000 मास्क नहीं पहनने के केसेस अभी यहाँ पे नमूद हो रहे हैं। पूरी आवाम से हमारी गुजारिश है, कोरोना के केसेस दिन ही दिन बढ़ रहे हैं। 8 दिन पहले जो हमारे तेलंगाना में 1000 केसेस थे, वो केसेस अभी 7000 हो गए, 7 गुना कोरोना के केसेस अभी बढ़ रहे हैं। इसीलिए सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको यही गुजारिश है कि आप पुलिस के साथ में कोऑपरेट करो और खासकर मास्क पहन के आप घूम लो। कर्फ्यू का टाइम जो है वो 9 बजे से 5 बजे तक है, उसके दरमियान अगर आपको कोई इमरजेंसी है तभी आप बाहर आ जाओ। रात में इमरजेंसी कर्फ्यू के दरमियान कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, सीनियर सिटीजन जिनको हॉस्पिटल जाना है, उनके लिए अगर गाड़ी नहीं मिल रही है तो हमारे पुलिस वाले जो चेक पोस्ट पे है, अभी हमने 46 चेक पोस्ट यहाँ पे बनाए हैं हमारे कमिश्नरेट में, चेक पोस्ट के पुलिस आपको हेल्प करेंगी, पुलिस की गाड़ी में भी आपको हेल्प मिल सकती है। और हम लोग अभी आने वाले 2-3 दिनों में जो फ्री कैब सर्विस इससे पहले भी हमने लगाई थी, वो फ्री कैब सर्विस भी हम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा हमने 17 अप्रैल से जो लोग कोरोना के कारण जिनकी मौत हो गई है उनकी बॉडी का क्रिमेशन के लिए लास्ट राइड सर्विस करके एक फ्री सर्विस हमने शुरू की है। कोई भी इमरजेंसी हो हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 9490617234, ये कोरोना कंट्रोल रूम नंबर है, इसके ऊपर आप फ़ोन कीजिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारे कमिश्नरेट में जो ऑर्फनेज सीनियर सिटीजन होम है, जो मेंटली चैलेंज लोग हैं उनके लिए होम्स है, ऐसे होम के लिए अभी इसके दरमियान थोड़े डोनर्स कम लोग सामने आते हैं, इसलिए उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी हम लोग अभी 2-3 दिनों में करने वाले हैं, उसके लिए भी हम कदम उठा रहे हैं। फिर एक बार मैं मेरे पूरे राजकोंडा पुलिस के तरफ से आवाम से गुजारिश है कि आप पुलिस के साथ आपका तावुन चाहिए और ये कर्फ्यू जो है हम सक्सेस करें। थैंक यू सर। एक बोलो, पीएम मोदी ने कहा था कि मोहल्ला कमेटी बनाई जाए कि कंट्रोल करने के लिए, क्या पुलिस भी ऐसी कोई मोहल्ला कमेटी बना रही है? अभी यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर है बालापुर के, यहाँ के जो नौजवान हैं, जो जो लोग हमारे पुलिस के साथ में मिलके
अपने मोहल्ला में लोगों को समझाने में काम करेंगे। जो जो एरिया में हमारे नौजवान हो या जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो ड्यूटी पे नहीं हो, जो लोग पुलिस के साथ मिलके अपने एरिया में कम्युनिटी पुलिसिंग जिसे हम बोलते हैं करना चाहते हैं, उनको वेलकम है। उनका साथ लेके ही हम लोग जो है 8 बजे का एस्टेब्लिशमेंट बंद करना हो या रात में 9 बजे के बाद जो हमारी चेक पोस्ट चलते हैं उस पर लोगों की चेकिंग हो, उनको चेकिंग में हम ज़रूर शामिल करेंगे। और ये कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद उनको हम एक सर्टिफिकेट भी ज़रूर दे देंगे। थैंक यू।